राजेन्द्र, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे हम शुरू करना चाहते थे लेकिन आप देर से आए। ये जो पूरा मामला आप फॉलो करते रहे हैं, मोदी मैजिक का जो बात है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर की जो रिपोर्ट आई है उसके साथ ही कर्नाटक के चुनाव का नतीजा, महाराष्ट्र में साकाल की जो रिपोर्ट आई है, सी वोटर का जो राजस्थान का सर्वे, कहीं मामला डगमगा रहा है। देखिए, ऑर्गेनाइजर की जो रिपोर्ट आई है उससे पहले देखें, कर्नाटक के चुनाव के बाद की जो स्थितियां रही हैं उनको देखें, तो कर्नाटक के नतीजे और फिर जो एक दो सर्वे आए, और फिर आप देखिए 28 मई को जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ उसके अगले दिन जब प्रधानमंत्री ने भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक की, उस बैठक में जिस बात पर जोर दिया गया उसमें एक खास बात यह थी जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को अपने यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझाना चाहिए कि वो डरे नहीं, और इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि उनका सम्मान होगा, उनका हम सम्मान करते हैं। ये बातें उन्होंने मुख्यमंत्रियों और अपने उप मुख्यमंत्रियों से कही, तो वहां से एक संकेत ये मिलता है। और दूसरी बात, ये 25 साल पूरे हो रहे हैं, मेरी जानकारी ये है कि एनडीए के 25 साल पूरे होने पर एक बड़ा आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और एनडीए के संयोजक का नाम शायद किसी को अभी याद ना हो, लेकिन अमित शाह उसके संयोजक हैं, और अमित शाह उसमें सक्रिय हो गए, उस काम के लिए सक्रिय हो गए। अमित शाह से चंद्रा बाबू नायडू मिले, अमित शाह ने जेडीएस से बात की है, अमित शाह ने केसीआर से संपर्क साधा है, वाईएसआर से भी, और चूंकि चंद्रा बाबू हैं लेकिन उसके बावजूद वाईएसआर पर एक अलग तरह का दबाव की कोशिश की जा रही है। और जहां तक अकाली दल और इन सब की बात है, अकाली दल आप देखिए तो अकाली दल से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो वापस एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं अकाली दल में भी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को फैलाएगी, बड़ा करेगी, और जिस तरह के बड़े बड़े आयोजन करती है, एनडीए को लेकर के भी बड़ा आयोजन बहुत जल्दी अगर दिखाई दे तो इसमें किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मैं एक बात जो सतीश जी ने कहा कि बहुत सारी पार्टियां फेंस पर बैठी हैं, भले वो विपक्ष में दिखाई दे रही हों, और जदयू को उससे अलग किया, मैं जदयू को उससे अलग नहीं मानता हूं। और जो नए मौसम विज्ञानी, लालू जी ने ही रामविलास पासवान को मौसम विज्ञानी कहा था, उन्होंने नए मौसम विज्ञानी नीतीश कुमार को भी कहा था कि ये नए मौसम विज्ञानी है, और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ वापस लौटने का दरवाजा खुला रखा है। यह आपने देखा होगा जब नई संसद के उद्घाटन के समय जब सारे विपक्ष के साथ जो लोग थे वो बाइकॉट कर रहे थे, तो जदयू ने एक दरवाजा उसमें भी खुला रखा। जदयू का एक प्रतिनिधि वहां पर बहुत ही प्रमुखता से मौजूद था, तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से बन रही है और ये बनती हुई दिखाई दी, और कहीं नीतीश कुमार को महागठबंधन या जो भी गठबंधन कहें आप, उसे यूपीए कहें या जो भी नाम आए, उसमें अगर नीतीश कुमार नेता नहीं बन पाए तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी की तैयारी में रहेंगे। इस बात को आप देखिए कि नीतीश कुमार का एक सपना है कि वो प्रधानमंत्री पद की तरफ आगे बढ़े, और अगर वो प्रधानमंत्री पद की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर वो अपने को मुख्यमंत्री बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और वो बनाए रखने का रास्ता सिर्फ वही है। तो ये खासतौर पर मुझे दिख रहा है, पूरा जो मामला दिख रहा है उसमें जी बिल्कुल। हालांकि नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और राहुल गांधी फिलहाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ये सबको पता है। 6 साल तक वो वैसे ही। हाँ सतीश जी, आप कुछ कह रहे हैं जी, अनम्यूट करें। मामली जी, बस मैं एक बात बोल के खत्म करके जरा निकलूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार वाली बात जो है राजेन्द्र तिवारी जी की नहीं मानता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने चहलकदमी पिछले 7-8 महीने में दिखाई और अभी तक एक मीटिंग नहीं करा पाए, तो अगर ये यूपीए बनाने का और ये 23 तारीख की बैठक ये सब फेल हो जाती है और उसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया जाता है और कांग्रेस के रुख पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि अंदर अंदर ये बहुत ज्यादा एक मुद्दा बन गया था कि कांग्रेस वाले बड़े नेता जो है अध्यक्ष वगैरह नहीं आ रहे हैं मीटिंग में 12 तारीख के, तो इसमें कई पार्टियां उसमें बहुत ज्यादा उद्वेलित थी। तब जाके प्रेशर डाला गया कांग्रेस ने कि आप लोगों को भेजिए, तब जाके ये बात। और नीतीश कुमार ने ये पब्लिकली भी बोला कि उनको भी कह दिया गया कि अब तो आगे करना है, तो जो अपने स्टाइल में बोलते हैं, तो ये फेलियर हो गया। और हो सकता है कुछ उसमें ऐसे तत्व भी हों जो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो, जो कांग्रेस विरोधी है, जिनको अपना जमीन बचाना है। फेलियर होता है, तीर ठिकरा कांग्रेस में फूट सकता है, और ये एनडीए के लिए बूस्टर का काम करेगा। और नीतीश कुमार, अटल जी का तो ऐसी गुण गाते रहते हैं, उस समय के एनडीए की बात करते रहते हैं, उनको उसमें अगर कुछ अपना एक दिखाई पड़े पॉसिबिलिटी, तब पॉसिबल है। लेकिन तिवारी जी, हमें नहीं लगता है कि अब जितना दूर चढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं, आगे आ गए हैं, इतना घूम गए हैं, अब उनके लिए वो संभव है नहीं। अब ये दरअसल नीतीश कुमार की उम्र, राजनीतिक पारी और बिहार का मिजाज, नीतीश अगर गए तो वो एकदम सफाया हो जाएगा और आरजेडी शायद सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी बनके उभरेगी। ये उनको भी पता है, सबको पता है। अभी भी महमूद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है अभी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं और ताकत उसकी बढ़ेगी, वो इनको भी ले लेंगे, वो इनका भी हिस्सा खा जाएंगे।